प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा हवाई अड्डे का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हथियारों से लैस आतंकवादी ढेर। हरियाणा में मंत्रालय का हो गया बंटवारा, सीएम सोनी ने अपने पास रखे गृह और वित्त विभाग। अब हिजबुल्ला की आर्थिक कमर तोड़ेगा इजराइल, बेरूत पर हमले का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर गांदरबल टेरर अटैक के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर गांदरबल टेरर अटैक में आतंकी संगठन टीआरएफ का हाथ, सूत्र। न्यूजीलैंड ने पहली बार जीता महिला टी20 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका को हराया। कांग्रेस ने एमपी की 2 सीटें और असम की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का किया ऐलान। बिहार में 22 आईएएस अधिकारी का तबादला, कई विभाग के सचिव बदले गए। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में 2 मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख। पांच सीटों से कम मंजूर नहीं, यूपी उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने सपा को दिखाए तेवर। दिल्ली जहांगीरपुरी में 2 गुटों में फायरिंग, 1 की मौत, 2 घायल। लखनऊ फ्लाइट में बॉम्ब की अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई 15 दिनों का रोक। बिहार पटना में होटल कारोबारी की हत्या, बदमाशों ने शकील को मारी 5 गोली। बाबा सिद्दीकी हत्या में 10वें आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने नवी मुंबई से भगवत सिंह को किया गिरफ्तार। कर्नाटक सीएम आवास पर आज शाम मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सिद्धरमैया, कई मुद्दे पर होगी चर्चा। वाराणसी पूर्वांचल का हेल्थ केयर हब बन रहा है, अस्पताल का उद्घाटन कर बोले पीएम मोदी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक टली, आज होगी बैठक। दिल्ली प्रशांत विहार ब्लास्ट के बाद अलर्ट, भीड़ वाले इलाकों में पुलिस तैनात। झारखंड चुनाव में अकेले लड़ने पर भी करेंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन, आरजेडी नेता मनोज झा। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। दिल्ली और यमुना में प्रदूषण का कारण बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स, सीएम अतिशी। बेंगलुरु टेस्ट में भारत की करारी शिकस्त, न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से हराया।